स्टूडेंट्स, आज आपका सब्जेक्ट है बैलेंस एंड काउंसलिंग। बैलेंस एंड काउंसलिंग में कल मैं आपको मेजर नीति बता रही थी, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो डिस्कशन मेथड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो विवेचन विधि होती है, इसे अपन विचार विमर्श विधि भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक को लेकर आपस में क्या होती है, चर्चा होती है एक समूह के अंदर। और जो इसका समूह होता है वो छोटे स्तर पर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि छोटे स्तर के समूह में क्या होता है, जो एक अध्यक्ष होता है और जो मतलब जो टीचर होता है वो किस रूप में होता है, मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाता है और छात्र एक सहभागिता के रूप में भूमिका निभाते हैं। इसके अंदर बड़ी बड़ी समस्या भी ली जा सकती है और समस्या के ऊपर उसका समाधान निकालने के लिए भी हम उस मतलब डिस्कस कर सकते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चनिंग होती है, बच्चे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, उसके बाद उनका समस्या समाधान ईजी हो सकता है। इसी के साथ मैंने आपको ये क्लियर किया था, इसमें से सबसे बड़ा गुण होता है वो होता है तार्किक चिंतन का, ठीक है, या विवेचनात्मक चिंतन का। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन होता है, लाइक और जो टीचर्स होते हैं और इसी प्रकार जो छात्र होते हैं, तो टीचर्स के जो व्यूज़ होते हैं, जो उनके विचार होते हैं और जो स्टूडेंट्स के जो विचार होते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सामने वाले के विचार और खुद के विचार में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं एग्जैक्टली होना क्या है। वो ये चीज़ क्या करते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये है, तो इसके अंदर हम कैसे इसका सलूशन निकाल सकते हैं, आपस में क्या होता है, डिस्कशन होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक प्रक्रिया बता रही थी, प्रक्रिया के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम विषय का चयन करते हैं कि कौन से विषय के ऊपर या कौन सी समस्या के ऊपर एक समस्या ली जाती है, कौन सी समस्या के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। जब बच्चों को उसमें फिर सेकेंड मैंने आपको बताया कि बच्चों को जब समस्या हम दे रहे हैं, जो वो समस्या है उस पर उन्हें परिकल्पना बनाने को कहा जाता है। परिकल्पना का एक्चुअली मैंने बताया था कि जिस तरह मतलब कोई भी उन्हें एक अजम्पशन करने को बोला जाता है कि ये एक आपकी समस्या है, अब आप इसके व्यूज़ बताइए कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो बच्चे एक परिकल्पना करते हैं, खुद इसे अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि उसका समाधान ढूंढा जाता है। समाधान हम कैसे ढूंढाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि विवेचन या विचार विमर्श विधि में जो मतलब टीचर होता है वो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, तो वो क्या करता है, एक अवलोकन के मतलब ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बच्चों ने कौन मतलब बच्चों को जो उसने समस्या दी है, तो बच्चों ने किस प्रकार की परिकल्पना का अपने मन में निर्माण किया है या अपने मन में क्रिएट किया है उसके बारे में जानता है, और उसके बाद उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न या प्रयास करता है। तो ये एक प्रक्रिया थी। अब जैसा कि आपको पता है, प्रक्रिया के अंदर जब डिस्कशन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसके अंदर शिक्षक के भी एक बेसिकली कार्य है। तो इसी प्रक्रिया के अंदर शिक्षक के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो एक वैज्ञानिक है थर्बर और कॉलेट। थर्बर और कॉलेट ने विचार विमर्श विधि के अंदर शिक्षक के बहुत से कार्य बताए हैं। इसके अंदर है विवेचन, प्रक्रिया के अंतर्गत विवेचन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक के कार्य शिक्षक के रूप में
रखा, सामने वाले ने अपने विचार दिए लेकिन दूसरे वाले ने अपने विचार क्रिएट नहीं करे, या थर्ड जो पर्सन है उसने अपने विचार नहीं दिए, मतलब कुछ अपने विचार क्रिएट कर रहे हो और कुछ अपने विचार क्रिएट ना कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे डिस्कशन मैथड में, मतलब किस विधि में, जो इस समूह में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने भाग लिया है, वो इसके अंदर रुचि उत्पन्न करे और एक मतलब डिस्कशन में गति प्रदान करे, ठीक है, मतलब एक उसके अंदर क्या करे, एक मतलब गति बनी रहे, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, इस चीज़ का उससे मतलब ध्यान रखना आवश्यक होता है। सेकेंड होता है विवेचन, चयनित प्रकरण पर केंद्रित रहे, ठीक है, इसका मतलब आपको पता ही चल रहा है कि जो प्रकरण, जो टॉपिक है या कोई विषय है जिसका हमने चयन कर रहा है, जो डिस्कशन है, जो डिस्कस कर रहे हैं, जिस हम टॉपिक पे, वो बेसिकली केंद्रित रहे, सेंट्रलाइज रहे। इट मीन्स ये है, ये कि आपकी समस्या ही कुछ और है, आपका टॉपिक ही कुछ और है, विचार उत्पन्न किसी और ही टॉपिक पे कर रहे हैं। तो ये चीज शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि चयनित प्रकरण पर क्या रहे, सभी समान भूमिका निभाए, सभी उसी जो टॉपिक है उस पर क्या रहे, रहे। फिर नेक्स्ट आता है समस्त छात्रों की सहभागिता बनाई जाए, बताई है या जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बेसिकली उसको शिक्षक को एक बेसिकली कार्य होता है कि जितने भी छात्र हैं उनकी सहभागिता बनाई जाए, मतलब उन्हें सभी प्रकार के विचारों का स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने विचार को प्रकट करने का और क्वेश्चन प्रश्न को भी पूछने का पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उन्हें, मतलब उनके विचारों को भी सराहना देना चाहिए। इसी के साथ छात्रों की सहभागिता को भी बनाया जाना चाहिए, मतलब छात्रों की बेसिकली आपस में एक सहभागी भूमिका होनी चाहिए, वो तब होगी जब हम छात्रों को पूरी की पूरी स्वतंत्रता देंगे उनको विचार देने का, उनसे क्वेश्चनिंग करने का। तो बेसिकली ये शिक्षक को एक बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, उसका ये कार्य है कि वो शिक्षकों की या छात्रों की, वो सॉरी छात्रों की सहभागिता को बनाए रखे, मतलब पूरा का पूरा उनको भी सहयोग प्रदान करे और उनसे भी सहयोग ले। फिर नेक्स्ट आता है प्रभुत्व स्थापित ना किया जाए, इसका मतलब क्या है, प्रभुत्व स्थापित ना किया जाए, मतलब उसपे एक प्रेशर जैसा चीज, मतलब स्थापित ना किया जाए। हम ये भी कह सकते हैं कि विवेचन विधि में पर्टिकुलर छात्रों को प्रभुत्व स्थापित ना करने दिया जाए, मतलब क्या होता है, आपको पता है ये विचार विमर्श विधि, इसमें सबके आपस में विचार होते हैं, तो इसमें ये भी होना चाहिए, मतलब कि सामने कि कोई विचार कम उत्पन्न कर रहा है या कम बोल रहा है या एजिटेशन कर रहा है, तो उसको क्या करे, उसको अपन तो लेट गो करे और जो विचार बोले जा रहे हैं, या मतलब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स को ही हमें क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए, हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए। तो कुछ छात्रों को इस प्रभुत्व मतलब उसके ऊपर थोपना या मतलब एक तरह से उसके हावी होने का उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सभी को इक्वली मानना चाहिए, सबके विचारों को सराहना देना चाहिए, सबके विचारों को प्रभुत्व रूप से सुनना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी छात्र के ऊपर प्रेस्टिशाइज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है छात्रों को या छात्रों के सहयोग को
जो आपको दूर रखा जाए, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है जो विचार होते हैं वो मतलब यूजफुल नहीं होते, ठीक है। तो हमें इस बात का मतलब या शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अवांछनीय सुझाव है, जो अनयूजफुल यूजलेस है, उनको क्या करें, अपने टॉपिक से दूर रखा जाए, ठीक है। हम उसे ये नहीं कह सकते कि आपके विचार गलत है, लेकिन उनके विचार सुनने के बाद अगर वो सुझाव आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप अवांछनीय सुझावों को क्या कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षक का एक कार्य होता है कि उसे इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो निष्कर्ष निकलेगा बेसिकली वो किसके माध्यम से, अध्यक्ष और शिक्षक के माध्यम से ही निकलेगा। फिर नेक्स्ट आता है सेटिंग, समय समय पर सारांश प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब है जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको डिस्कशन मेथड बताई है कि हमारे अभी कुछ टाइम पहले भी 47 को वेबिनार आयोजित हुआ था, तो उसके अंदर पर्टिकुलर जो थीम्स मतलब दी गई थी, तो उसके अंदर थीम जैसे 2-3 जनों ने एक ही थीम पे बोला था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि सारांश को लास्ट में क्या था, सारांश दिया जाता था। तो सेम स्टडी यही है कि जब हम विचार उत्पन्न कर रहे थे, किसी की समस्या को सुलझा रहे थे, तो बीच बीच में क्या होना चाहिए, समय समय पर सारांश प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसे एक लेक्चर के माध्यम से आप पूरा का पूरा एक निबंध बना दो उस चीज़ को, कि बच्चों को या जो शिक्षक है उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो लास्ट बीच बीच में उन्हें क्या करना चाहिए, एक छोटा सा एक सारांश प्रस्तुत करना चाहिए कि आपका जो ये टॉपिक है तो इसका पूरा का पूरा सारांश भी निकल के आता है, एक तरह से निष्कर्ष निकल के आता है। तो ये शिक्षक का ही कार्य होता है कि उसे समय समय पर क्या प्रस्तुत करना चाहिए, अपने टॉपिक या अपने विषय के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है निष्कर्ष निकाले जाए। संगत निष्कर्ष मतलब जो निष्कर्ष निकालेंगे फैक्ट्स निकालने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं आप उसके सुझाव दे रहे हो, क्योंकि वो एक समस्या है और समस्या का छात्रों को समाधान मिल रहा है। अगर वो गलत समाधान मिलेगा उन्हें, गलत उन्हें राय मिलेगी, तो वो गलत उस चीज़ को गलत ही काम में लेंगे। तो हमें इस बात का, शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, लास्ट में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, फैक्ट हमें चाहिए। फिर नाइन्थ है जब छात्रों ने चाहिए। अब ये तो हो गई विवेचन प्रक्रिया के अंतर्गत
1984 के अनुसार, ठीक है, इस बात को समझना। अभी जो मैंने आपको बताया था वो बेसिकली शिक्षक के कार्य थे, ठीक है। अब ये है कॉलेज और चिप्टन, इनके अकॉर्डिंग 1984 में उन्होंने विवेचन विधि को स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि विवेचन विधि के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रजातांत्रिक भूमिका होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे व्यूज बताए थे कि जो डिस्कशन मेथड होता है बेसिकली वो किसके माध्यम से हो सकता है, उसके अंदर खोज विधि को हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ उन्होंने अपने व्यूज बताए थे कि जो विवेचन विधि है वो ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो जो कॉलेज और जो चैप्टर है 1984 में उनके अनुसार में इनके विवेचन विधि के व्यूज बता रहे एक तरह से कि उनके अकॉर्डिंग क्या प्रोफाइल है, क्या विवेचन विधि में क्या क्या गुण का होना जरूरी है, क्या मतलब विकसित होना चाहिए इसके अंदर। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो ये आता है विवेचन समय समय उसके अंदर
मतलब जो हमने पैनल्स बना लिए हैं डिस्कशन मेथड में, तो इसमें ये बताया है मैंने, क्वालिटी हमने ये बताया है कि इसमें फोर ज़्यादा रीति हो सकता है, मतलब नए डिमेंशंस को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने वेबिनार के अंदर क्रिएट कर दिया था, तो वो सेम चीज़ है कि हमें वर्तमान में हमें किस विषय की मांग है उसको लेके हम क्या कर सकते हैं। समय समय पर जो हमारे जनरेशंस होती है, जैसे अभी पहले जो इतना वायरस का था, फिर उसके बाद राष्ट्रीय नीति, अभी जो राष्ट्रीय नीति आई है उससे पहले जो हमें जो आया है जो मतलब जिसके अंदर, तो उन जो जो मैंने जो इन्वेंशंस होते हैं उसके माध्यम से हम डिस्कशन मैथड जो है क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों को उससे रिलेटेड जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। तो विवेचन में जो खोज आधारित को भी कर सकते हैं, मतलब खोज जो विधि है या इन्वेंशंस जो होते हैं हम उससे भी रिलेटेड क्या कर सकते हैं, डिस्कशन मैथड क्रिएट कर सकते हैं, उसको आयोजित कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर जो नए नए जो इन्वेंशंस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं हमारे आदेश के अंदर, उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, इसके इसको शामिल कर सकते हैं। तो इसमें ये खोज आधारित में ही इन्वेंशंस जो जो होते हैं वो इसके अंदर शामिल हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो ओल्ड टॉपिक्स ही ले जो नए नए आ रहे हैं उसको भी, तो खोज आधारित में ये आएगा। अब फिर आता है नेक्स्ट नेक्स्ट उन्होंने बोला किसी भी विधि का उपयोग आवश्यकता पर आधारित होता है। यह आप सभी को ही पता है कि किसी भी विधि का उपयोग प्रकरण की आवश्यकता पर आधारित है। इसके अंदर खोज विधि हो सकती है या फिर जो हम विभिन्न प्रकार की विधियों का मानवीय विधि भी हो सकती है कि हम छोटे बच्चों का डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो बहुत सारी विधियाँ इसके अंदर क्रिएट हो सकती है। तो उसका उपयोग हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं कि हमें इसके अंदर कौन सी विधि को काम में लेना है, जो हमारा टॉपिक होता था उसकी आवश्यकता पर ही क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। तो इसका इनका कहना बस इतना यही है कि हम जो विधि का इसके अंदर प्रयोग कर रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अपने प्रकरण के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब उन्होंने बेसिकली बताया है कि जब जो शिक्षक है, जो मतलब इसका अध्यक्ष है, जब विवेचन विधि को आयोजित कर रहा है, तो जब उसके अंदर वो खोज विधि को आयोजित करेगा, तो खोज विधि के अंदर उन्हें किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसके अंदर पहला व्यूज उसने बताया है कि विवेचन के उद्देश्य निर्धारित किया जाए। जैसे वो वेबिनार था, अभी जो इन्वेंशन जो अभी लेटेस्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो हमने जो वेबिनार जोड़ा था वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ा था, तो हमारा उद्देश्य क्या था, हमारे इसके अंदर ये उद्देश्य था कि आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताना, अभी क्या है हिंदी के महत्व को बताना कि अभी लेटेस्ट में उन्होंने हिंदी को कितना ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये सेम वो यही कहना है कि विवेचन के उद्देश्य निर्धारित किया जाए कि आपने जो टॉपिक लिया है तो टॉपिक लेने का उद्देश्य क्या है, हम जो जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी समस्या रख रहे हैं सामने, वो किससे रिलेटेड है और बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है। फिर नेक्स्ट वो बोल रहे हैं छात्रों की समस्या की जाए। जब हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए तो छात्रों की समस्या को हमें स्पष्ट करना चाहिए, उनको क्लियर करना चाहिए। जैसे हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो हमारी मातृभाषा हमने लिखी कि हमारी बेसिकली क्या मातृभाषा है, तो जब हमने इसका उद्देश्य दिया था कि हमें आपको मातृभाषा के बारे में
में विवेचन हेतु संकलित किया जाए। मतलब इसके अंदर ये विवेचन विधि में जब आप डिस्कस कर रहे हो तो बच्चों को प्रश्न पूछने का पूरा हक है, उन्हें पूरा मतलब पूरी स्वतंत्रता मिलना चाहिए कि वो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे। प्रश्नों द्वारा क्या करना चाहिए कि उन्हें सही दिशा में विवेचन के लिए डिस्कशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, संकेत किया जाना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए। उसके बाद उनके प्रश्नों को क्रिएट करने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, अलग अलग उसमें बात के उन्हें का डिस्कशन के द्वारा उन्हें एक एक चीज़ें को क्लियरिटी देनी चाहिए, उस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट उन्होंने बोला फॉलेट ने, समस्त प्रक्रिया को भागों में बांटा जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले समस्या निर्धारित करें, फिर उद्देश्य को निर्धारित करें। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हमें आगे क्या करना है कि छात्रों को आमंत्रित करना है, किसको पार्टिसिपेट में शामिल करना है, और उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग है, जब विचार विमर्श क्रिएट करें, जैसे वेबिनार में सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले सारी सुविधाएँ जो मैं करते हैं, उससे भी पहले उद्देश्य निर्धारित किया था, उससे भी पहले थीम को आयोजित किया था, थीम के बाद उद्देश्य, उद्देश्य के बाद फिर क्या किया था, सारी सुविधाएँ सारी तैयारी की थी, जो जो कार्य है वो चीज़ को ध्यान, टाइम ऑब्लिगेशंस नॉर्म्स का ध्यान रखा गया था। तो वो यही कह रही है कि ऑलरेडी जो डिस्कशन मेथड हो गई, मेन ये कि आप क्लासरूम में आ रहा डिस्कशन स्टार्ट हो गया, एक सिस्टमेटिकली वो चीज़ को करना चाहिए, एक प्रक्रिया को भागों में बांटना चाहिए। फिर लास्ट है निष्कर्ष के सारांश प्रस्तुत किया जाए। निष्कर्ष जो के रूप में क्या करना चाहिए, हमें सारांश, जैसे कि वेबिनार में जो लास्ट में जो सारांश किया गया था पूरा का पूरा थीम का, तो वही